तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं स्प्रिंग रोल्स। इसके लिए चाहिए हमें वेजिटेबल्स और इनको इस तरह से कट कर लें। ये पत्ता गोभी, प्याज, कैप्सिकम, लहसुन की कलियां हैं और हरी मिर्च। अब हम हमारा जो रैपर बनाएंगे उसका आटा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए लेंगे हम मैदा, उसमें डालें स्वादानुसार नमक और इसमें मुयन के तौर पर आप ऑयल ऐड करें। आप इसकी जगह चाहें तो बिल्कुल ज़रा सा घी का यूज़ भी कर सकते हैं और इनको हल्के हाथों से अच्छे से बिल्कुल मिला लें। इसको अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटे को लगाएं, ताकि जो हमारे जो रैपर्स हम बनाएं वो अच्छे बन सकें। आटा थोड़ा सॉफ्ट लगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम लगाएंगे तो आटा भी अच्छा लगेगा और हमारे रैपर्स भी अच्छे बनेंगे। तो हमारा आटा तैयार है, इस पर हल्का सा ऑयल लगाएं। इसको चारों तरफ आटे को इससे कवर कर दें ऑयल से, और उसके बाद एक कपड़े से ढक कर रख दें थोड़ी देर के लिए। अब इसके बाद लेंगे हम कढ़ाई और उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं प्याज, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग प्याज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़े ज़्यादा लिए हैं क्योंकि मुझे पसंद है। और इनको अच्छे से डालने के बाद इनको अच्छे से मिला लें और इनको हल्का सा पकने दें। आपको इनका कलर ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है और लाइट भी नहीं रखना है, हल्का सा पकाना है सिर्फ। उसके बाद इसमें डालेंगे हम ग्रीन चिली और इसको मिलाएं। आप देख सकते हैं इनका कलर निकल के आ रहा है, हल्का हल्का हमें कलर लाना है। इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं कैप्सिकम। कैप्सिकम को आप चाहें तो थोड़ा और बारीक कर सकते हैं, लेकिन मोटा ना रखें। अब इनको मैं मिक्स कर दूँगी और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें पत्ता गोभी। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इनको अच्छे से हल्का सा पकाएं। आपको बिल्कुल भी डार्क या फिर ज़्यादा देर तक इनको नहीं पकाना है। और मैंने यहाँ पर किसी भी मसाले का यूज़ नहीं किया है। इनको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें ऐड किया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और काली मिर्च, और इनको मिला लेंगे हम अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा इनको नहीं पकाया है, सिर्फ हल्का सा पकाया है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, और अगर आप चाहें तो इसमें टेस्ट के लिए बिल्कुल ज़रा सी रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम हमारा ग्लू तैयार करेंगे मैदा का, हमारे रैपर्स को अच्छे से चिपकाने के लिए, अच्छे से हमारे स्प्रिंग रोल्स को तैयार करने के लिए। ग्लू को ज़्यादा पतला ना करें और ना ही गाढ़ा रखें। अब हम चलते हैं हमारे रैपर्स की ओर। आटे की आपको इस तरीके से छोटी छोटी लोया बनानी है। ध्यान रखें कि मोटे लोया ना बनाएं, छोटे ही रखें। सभी आपको एक साइज़ के रखने हैं, ताकि जो हमारे रैपर्स हम बनाएं वो सही आकार में, सही शेप में आएं। और इस तरीके से आपको जो लोया तैयार करें, आपको ज़्यादा बड़ा बेलना नहीं है, आपको छोटा साइज़ रखना है। और जिस साइज़ का आप तैयार फर्स्ट जो है लोया बेलें, और सेकंड भी उसी साइज़ का बेलें। अब हम इस तरीके से दोनों के बीच में ऑयल लगा देंगे हल्का सा, और इस तरीके से तैयार किया हुआ दूसरा हम उस पर रख कर बेलेंगे, ताकि जो हमारे रैपर्स है वो फटे नहीं। एक पैन गरम करके उस पर आप डालें और हल्का सा सेकें। ध्यान रखें सिर्फ हल्का सा ही सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना। और इस तरीके से बिल्कुल आपको आँच पे, बिल्कुल गरम पैन पे सिर्फ समझ लीजिए एक बार पटक कर सिर्फ हल्की सी आपको हीट देनी है उनको। और इस तरीके से आप धीरे धीरे उनको अलग कर लें। आप देख सकते हैं हमारे रैपर्स रेडी हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने हैं। देखिए इस तरह से आपको तैयार करने हैं घर पे। और जो हमने हमारा फिलिंग हमने तैयार की हुई है, उनको आप इस तरीके से फिलअप करें, बिल्कुल हल्का ही रखें, ज़्यादा फिलअप ना करें इसमें।
और हल्के हाथों से इसको रोल करें, और जो हमने हमारा ग्लू तैयार किया था मैदा का, वो आपको इस तरीके से रोल्स को चिपकाने में हेल्प करेगा। अगर आप ग्लू तैयार नहीं करेंगे तो स्प्रिंग रोल का जब हम फ्राई करेंगे उसको, तो खुलने का डर रहेगा। तो ध्यान रखें कि ग्लू से आपको इस तरीके से ज़रूर चिपका के उसके बाद ही फ्राई करना है। इस तरीके से हमारे सभी रोल्स तैयार हैं, आप देख सकते हैं। ज़्यादा मसाला भी नहीं है, बिल्कुल भी फीलिंग ज़्यादा नहीं है। ऑयल गरम करें और ऑयल को हमेशा मीडियम ही रखें, ना ज़्यादा हाई लेवल पे गरम करें ना ही लो पे रखें। इस तरीके से आपको डालकर हल्का सा पकने पर उसको पलट दें, और 3 मिनट के बाद हमारे देखिए रोल्स रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे रोल्स तैयार हुए हैं। अब हम एक बर्तन में इनको निकाल लेंगे, और इसी तरीके से आपको सभी रोल्स तैयार करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।